केपीडी न्यूज, हक सच और इंसाफ की आवाज। केपीडी न्यूज, हक सच और इंसाफ की आवाज। हिंदू नेता अते ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फ्रंट दे चेयरमैन शशि शर्मा अते उना दे बेटे ते बीते दिनी होए हमले नू लैके अखिल भारतीय सुरक्षा समिति दे जिला प्रधान काली थापर अते हिंदू संगठना दे मैंबरां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशासन की कार्य प्रणाली की निंदा की। काली थापर ने कहा कि हमले के बाद कितना समा बीत जाते भी पुलिस ने हमलावरों नू गिरफ्तार नहीं किया। भारतीय सुरक्षा समिति के पद अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिता है कि जेकर 24 घंटे अंदर हमलावर पकड़े नहीं गए तो वह संघर्ष करने लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जेकर 24 घंटे विच कार्रवाई नहीं हुई तो संघर्ष तेज होएगा और इसका जिम्मेवार पुलिस प्रशासन होएगा। जलंधर तो रवि गिल और साहिल मल्होत्रा की रिपोर्ट। अज प्रेस जी कॉन्फ्रेंस की गई है, ये जेडे अपने शशि शर्मा जी के दफ्तर के जो मुंडिया ने वारदात की है अज तक वो नहीं पता लगता मुंडे कि नहीं तो मतलब चार दिन हो गए अज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही पुलिस ने कोई बंदे अरैसट किए। कल पता लगता दो अरैसट किए उन्होंने। असं कहने जो बाकी बंदे भी आ जो तेज हथियारों के पिस्टलों के जो आए बंदे वेरीफाई किए जाए कौन आ कौन नहीं, तो जी बनती कानूनी कार्रवाई उन्होंने की जाए तो जल्द जल्द अरैसट की जाए जिहड़ा शहर का माहौल आ शांत किया जाए। अही डी अपने सीपी साहब को बेनती करते हैं जो 24 घंटे तक कोई कार्रवाई करते ठीक है, नहीं तो हिंदू संगठन सारा इकट्ठा हो गए वाल्मीकि भाईचारा इकट्ठा हो गए असी डीसी ऑफिस के बाहर धरना लावांगे। कारण हमले तो हाल तक नहीं पता लग रही कौन बंदे सके कौन नहीं सके। जिदा कि सर कह रहे थे 25 लाख की प्रॉपर्टी का कोई मामला है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी से साइन कराए गए, सर वो गल सही है सर? नहीं सर हाले वो नहीं पता की गल की नहीं, पता ही नहीं बंदे कौन सके कौन नहीं। देश विदेश और अपने शहर की लोकल खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आपका मनपसंद न्यूज चैनल के पीडी न्यूज, हक सच और इंसाफ की आवाज़ आपको रखे सबसे आगे।